अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज संडे है, दिन के कोई 3:30 बज रहे हैं और अनाया शावर लेके गई है ज़रा धूप लेने के लिए जैन और अहमद के साथ। जैन तो अभी यहीं है, जैन ने जाना है, अहमद लेके चला गया अनाया को नीचे। तो जैन ढूंढ रहा है बॉल क्योंकि अहमद ने विकेट मंगाई थी और फाइनली इनको क्रिकेट का शौक हो गया है तो ये खेलना भी चाहते हैं और यहाँ स्पेस भी बहुत है स्पोर्ट्स के लिए, तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह उठ के मैंने लाल लिपस्टिक लगा ली है। नहीं जी, मेबेलिन की जो है लिक्विड इंक है और ये मैंने कल लगाई थी शाम को और मैंने आपको बताया था कि 2 दिन तक कहीं नहीं जाने वाली, तो इसीलिए मैंने लगाई थी कि थोड़ी अच्छी वाइब्स भी आती हैं आपको और इतनी मेहनत होती नहीं, बार बार लिपस्टिक लगती नहीं है भाई। तो बस जैन वेट कर रहा है, जैन जा रहा है नीचे और बाकी वो अनाया और अहमद से आप लोगों को नीचे मिलवाएगा। तो जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैं घर पर ही हूँ, काम बहुत सारे होते हैं तो पॉसिबल नहीं है कहीं जाना। विकेट पहनूँ? जैन ने, अहमद ने विकेट मंगाई है ये और जैन जो है क्रिकेट खेलने जा रहा है अहमद के साथ नीचे। अनाया ऑलरेडी नीचे और तुम जा रहे हो रोटी लेने। विकेट पहनूं? जैन ने, अहमद ने विकेट मंगाई है ये और जैन जो है क्रिकेट खेलने जा रहा है अहमद के साथ नीचे। अनाया ऑलरेडी नीचे और तुम जा रहे हो रोटी लेने। गाइस आप कैसे हैं? हम लोग नीचे आए हैं और ये रही अनाया। अनाया हेलो करो। हेलो। क्या कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ और ये बच्चा भी कितना प्यारा लग रहा है। देन यहाँ पे बहुत सारे टॉयज और धूप कितनी अच्छी आ रही है गाइस यहाँ पे। देन दूसरी चीज जो है वो है सर और जैन पता नहीं किधर घूमने गया है, वो मुझे दिख रहा है पर मम्मा इसको डांट देंगी कि मैं मम्मा को बताने वाला हूँ ये बात। सो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज लाए हैं और हम कुछ खाने के लिए भी चीज़ें लाए थे। ऑरेंजेस आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अनाया के लिए जूस चिप्स लाए थे हम और वो देख सकते हैं। हम लाए बैट और विकेट लाए पर मेन चीज़ ही लाए बॉल नहीं लाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरी कब्र कैसी लगी है कल के व्लॉग में। तो फिलहाल तो हम लोग नीचे आए हुए बट हम जब ऊपर जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे कि क्या हो रहा है घर में, क्योंकि सिर्फ घर में जेब नहीं है, मम्मा है क्योंकि जेब सामान लेने गया है और जैन मेरे साथ आया है अनाया के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें लाए हैं तो मैं अकेले नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत बड़ा बॉक्स है। बहुत सारी मैना घूम रही है और जैन भी आ गए यहाँ पे, वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है और अनाया ये रही। तो मैंने एक ऑरेंज खा लिया था, अब दूसरा वाला ऑरेंज अब बड़ा है, बिल्कुल लड्डू जैसा लगता है वैसा ऑरेंज। भाई हम दोनों ने खाया था ना मिलके अभी। हाँ अभी मैं खाऊंगी अभी। ठीक है हम दोनों खा लेंगे, सही है। वैसे एक ऑरेंज के पीछे इस बच्चे ने मुझसे लड़ाई कर ली। अच्छा बताना क्या किया तुमने। तो ये बोलिए कि मैं ना इसका जूस बनाऊंगी और मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी और उसने छील भी लिया। देखो ये देखो छिला कैसे बच्चे, तुमने नाखून भी तुम्हारे तो डोंट हैव नेल्स, छील लिया। शक्ल देखो अपनी गोल्लू छोटा सा। तो यहाँ पे मम्मा ने क्या बनाया वैसे? मैक्रोनी लगी है, मैक्रोनी बनाई है, 7 बिरयानी क्योंकि पूरी रखी है। बिरयानी भी बड़ी है। चले खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, क्या कहते हैं मैं आपके लिए मैक्रोनी बनाई है और साथ में पुलाव पुलाव है कल का। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। अहमद ने तो खाना शुरू कर दिया पहले से, क्रीमी पास्ता है बिल्कुल। तो भाई बर्तन में बर्तन बर्तन में बर्तन होते रहते हैं यहाँ पे तो, है ना? क्या करें, क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो खैर ये वाला काम मुझे भी दे दिया करें। खत्म, 1 हफ्ता हो गया नजीरा को। आराम से मम्मा,
चॉकलेट स्प्रेड खा रहे हैं। हाँ तो रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है लगता है। मजे का लगा इसको बहुत। हाँ, लेकिन अभी खा नहीं रही। क्या हुआ बुच्ची? बस ये बीफ की मैंने बोटियाँ मंगाई थी और अब मैं इसकी बना रही हूँ निहारी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको कूट लूँ उससे पहले, क्योंकि निहारी के अंदर थोड़ी सी चिपटी बोटी चलती है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? तो मैं क्या कहते हैं अभी फ्री हो गया हूँ वैसे ना, क्या कहते हैं मराबा से, तो और अभी मैं जा रहा हूँ हार्डवेयर के वाले के पास, तो आपको मैं सामान लेकर दूँगा और बाकी कुछ जो मुझे काम करने हैं। अच्छा, तो मैंने सामान ले लिया, सामान मैंने पहले से ले लिया था, तो अभी मैंने हार्डवेयर से भी अपना काम करवा लिया। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ना एक्सटेंशन है, तो मैंने एक्सटेंशन बेसिकली सही करवाई है। तो असल में ना ये ख़राब हो गई थी पहले ना बाहर से, तो इसके अंदर मैंने लाइट्स भी ली हैं क्योंकि जो हमारा वॉशरूम है तो उसकी ना आपके जो फ्रंट फेसिंग वाली लाइट्स थी ना वो ख़राब थी, तो अब वो ले लिए, तो अब वो फिक्स होंगी। साथ में फिर मैं जा रहा हूँ अब घर पे, आपको मिलते हैं घर पे। आज खाने में बन रही है बिरयानी। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम आ गए हैं शावर लेने के बाद सीधा किचन में, और मैंने बनानी थी बीफ बिरयानी, बीफ निहारी। और दोपहर में ही मैंने इसको बोला था जुहेब को कि ये लिया है उसका, मुझे नेशनल का मसाला चाहिए था उसके लिए। और शाम में जब मैंने सब प्रिपेयर कर लिया तो मुझे पता चला कि ये लेके ही नहीं आए। तो फिर बहरहाल मैंने बीफ को बॉयल कर लिया था उसका, मैंने कहा गोश्त गल जाएगा जब तक, क्योंकि ये टाइम लेता है। तो अब ये है कि मसाला आ गया था तो मैंने जो है चढ़ा दी है निहारी, और साथ साथ मैं बजा रही हूँ ये गाजर का हलवा। तो बस ये तीन गाजरें पड़ी हुई, तो मैंने कहा गजरेला थोड़ा सा बना लेती हूँ, और दिल चाह रहा था उसको बनाने। तो फिर अगर तो उस वक्त ले आया होता तो मैं आज वक्त आराम कर रही होती और खाना मैं चढ़ा चुकी होती, लेकिन खैर एनीवे। तो आज मैंने अपना एक्वेरियम भी साफ़ किया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है वो, और फिशेस भी बड़ी खुश हैं। तो बस चलें अपना स्टार्ट करते हैं, गाजर का हलवा बनाना है मुझे, तो जो भी हम करते हैं वो आगे आपको शेयर करते हैं। यहाँ पे ये मसाला भुन रहा है, जब ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर दूँगी। ये यखनी रखी हुई है तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, फिर इसको पकने दूँगी बहुत टाइम तक। मैं 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, और उसके बाद फिर जो है मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी आटा।
तो गाजर का यहाँ हलवा और जो है गजरेला है ये बेसिकली, इसमें मैंने राइस भी ऐड किए हैं, शुगर, दूध, इलायची एंड अभी केवड़ा ऐड करूँगी थोड़ा सा ये पक जाए तो, और प्लस ये निहारी बन रही है। तो गाजर का यहाँ हलवा और जो है गजरेला है ये बेसिकली, इसमें मैंने राइस भी ऐड किए हैं, शुगर, दूध, इलायची एंड अभी केवड़ा ऐड करूँगी थोड़ा सा ये पक जाए तो, और प्लस ये निहारी बन रही है। तो भाई खाना मैंने चढ़ा दिया है और खाना बन ही जाएगा। खैर निहारी जो है मैंने चढ़ाई है तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी हवा मैं भी ले लूं और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूं। बहुत दिन हुए कोई बात ही नहीं कर पाती क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही मेरा रूटीन। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई बातचीत नहीं की किसी भी हवाले से, किसी भी व्लॉगर्स के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि झूठ का कारोबार जो है वो बिल्कुल गर्म है और लोग झूठे कंटेंट ला ला के यहाँ लोगों को पागल बनाते हैं और उनके जज्बात से खेलते हैं। असल में कोई एक नहीं है जिसको देखें आप, वो सब जो है एक झूठ और ड्रामा क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और सिर्फ आप लोगों के अटेंशन के लिए यहाँ पे लोग पत्नी क्या कुछ करते हैं। मुझे तो जब एक बैड एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे आइडिया हुआ कि आप लोगों से कितनी भी मोहब्बत कर लें और उनके साथ कितने भी खलूस से पेश आएँ, क्योंकि ये मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी के साथ बुरा करूँ या मैं किसी के साथ बुरे तरीके से पेश आऊँ। लेकिन एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ जिससे मुझे आइडिया हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद लोग आपको टारगेट बहुत इजीली कर लेते हैं। खैर मेरा बिजनेस है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा घर है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ को रखना होता है। वरना मैं अगर फैमिली के साथ नहीं होती तो फिर तो जो है मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी करती, लेकिन ये हमारी नेचर में नहीं, हमारी तबीयत में नहीं है। तो सिंपल इज़ दैट कि लोग जो है आपके फ्लूस का फ़ायदा उठाते हैं और वो वही करते हैं जो कि उनका कारोबार है, उन्होंने हर एक के साथ यही करना होता है। और सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना, उन्हें जो है कुछ और दिखाना, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है आप वो दिखाएं। आप जिस प्रेशर में भी हैं आप चलें, आप ना शेयर करना चाहें, लेकिन यहाँ पे तो असल में चक्कर ये है कि हर चीज़ ही शेयर की हुई है लोगों से, और उसके बाद जो जिन लोगों की यहाँ हमने सालों साल बुराइयाँ सुनी है और बहुत अरसा जो है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने किन लोगों को जो है सपोर्ट कर दिया, कि जो लोग
एक कंटेंट है और उनके लिए सबकी इज्जत रसवाई सब कुछ एक कंटेंट है जिनके यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता, उनके जो अपने रिलेशंस हैं उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता और उन्हें भी रसवा करने के अंदर वो पीछे नहीं रहते। तो बहरहाल इंसान जो है वो अक़ल है उसके पास, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो किसी भी मुल्क से हो। लोग एक लिमिट तक ना सिर्फ पागल बनते हैं, आप लोगों को कब तक पागल बनाएंगे? एक टाइम के ऊपर आके लोग आपसे दिल उनका ख़राब हो जाएगा और फिर वो आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ कर देंगे। लेकिन खैर असल में जो मेजॉरिटी है वो देखना भी लड़ाई झगड़ा चाहती है और कंट्रोवर्सीज़ देखना चाहती है। आप देखें ना बिग बॉस जो है इस वक्त उसके ऊपर ज़्यादा टीआरपी उसी वक्त आती है जब वहाँ झगड़े होते हैं और वहाँ इस तरह की कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ को रखा जाता है ताकि वो मीडिया को भी फेस करें और उनको क्वेश्चन आंसर भी करें। लेकिन ये है कि वो सब जो है आप एक ड्रामा ही है क्योंकि आप 24/7 एक एपिसोड देख रहे हैं। उनके कॉस्ट्यूम्स भी जो है आप देखें ना, कोई ये एक इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि एक जैसे ही मटेरियल के कॉस्ट्यूम आप सब एक साथ वेयर करते हैं। कलर थीम्स होती हैं, आप लोगों के स्पॉन्सर्स होते हैं, तो ये तो समझने की बात है। और आप लोगों को सिर्फ रख कर जो सिचुएशंस दी जाती हैं जिसके ऊपर आप लोग एक्ट करते हैं और लोग जो है लाखों की तादाद में जाके देखते हैं, अच्छी टीआरपी होती है। अच्छा, ये सभी बड़े जो है अपने अपने प्रोफेशन में नामवर हैं, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा जो है रैपर है और किसी ने बहुत स्ट्रगल की है। तो हर बंदा जो वहाँ पे मौजूद है वो अपने अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की पर्सनालिटीज़ वो लोग शो कर रहे हैं, जो उनकी हाइजीन्स हैं, हाइजीन तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है सिवाय निशा के, जो मनारा भी बस मुझे हाइजीन तो उसकी भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन घर के काम करना और अपनी हाइजीन को देखना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। और वहाँ पे भी आप देखें ना कि डिप्लोमेसी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि चार दिन एक दूसरे को लड़के टीआरपी हाई करते हैं और अपने आप को फुटेज देते हैं और उसके बाद जो है नॉमिनेशन से एक दिन पहले ही माफ़ी तलाफी और हाथ जोड़ने पर आ जाते हैं और पैर पड़ जाते हैं। तो बेसिकली बिग बॉस या इस तरह के जितने भी शोज़ हैं उसमें आपकी रियल पर्सनैलिटी शो होती है। और अंतिका भी अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल लगने लगी है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है हर तरफ से। और मुझे तो ये लगता है कि शायद बिग बॉस में इस बार लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पब्लिक से जिन्हें लोग नहीं जानते, जो वेल नोन बिजनेसमैन है, जैसे लाइक विक्की है। तो विक्की अंतिका का शौहर है तो उसको जो है उसको भी मार्केट किया जा रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे मैं नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम था या ट्रॉमा था और वो उस ट्रॉमा में रहा है तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और खानजादी के साथ बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त घर के अंदर बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको जो है बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। तो बहरहाल विश यू बेस्ट लक, आप लोगों को जो भी विनर होता है आप में से एक्सपेक्टेड तो वैसे जो है वो मुनव्वर है ज़्यादा, तो मुनव्वर ही एक्सपेक्टेड है कि वो क्योंकि वो बहुत सियाणा है बहुत ही ज़्यादा। तो विश यू वेरी गुड लक जो भी जिसको भी मिलती है ट्रॉफी, लेट्स सी। चलें जी, अब मैं भी चलती हूँ, मेरा गजरेला रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर और मुझे अब वो रेडी करना है, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। आज सुबह से कंटिन्यूस मैं लगी रही हूँ। और आप सब लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद व्लॉग्स बनाऊँ या मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और डेली बेसिस पर कमेंट किया करें। ये भी बताया करें कि कौन सी कंट्री और सिटी से आप हमें देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना YouTube खोलती हूँ सुबह, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।